गेयरबॉक्स निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो बैटरी ट्रे वगैरह हम लोगों ने निकाल के लिए, अभी हम लोग निकाल रहे केबल जो कि क्लच केबल है उसको निकाल के लेंगे। सो गाइस इस तरीके से केबल को निकाल के लेंगे। उसके बाद में हम लोगों को क्या क्या निकालना है ये देखिए, ये जो रिवर्स स्विच का कपलर है उसको निकाल के लेना है। उसके बाद में जो वायरिंग हार्नेस जो है उसको निकाल के लेना है जो कि गियर बॉक्स के ऊपर अटैच रहेगा। जो भी कपलर से छोटे छोटे क्लिप्स से वो निकाल के लेंगे, गियर बॉक्स को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देंगे गियर बॉक्स के कपलर्स या वायरिंग हार्नेस को। उसके बाद में ये जो गियर शिफ्टिंग केबल है उसको निकाल के लेंगे गियर बॉक्स के ऊपर से। उसके बाद में ये जो अर्थिंग का बोल्ट है वो निकालेंगे, अर्थिंग केबल है उसको निकाल देंगे। सो ये सब कुछ मैं निकाल के लेता हूँ अभी। और जो भी नट बोल्ट्स हम लोग निकालेंगे उनको अपनी जगह पर सेफ्टी रखेंगे या ध्यान दिमाग में रखेंगे कि कहाँ पर कौन सा बोल्ट बिठाना है। उसके बाद में ये जो इनर प्लायर है उसके उसके मदद से जो कि एक शिफ्टर केबल जो है उसको निकालेंगे शिफ्टर के ऊपर से। और उसके बाद में जो है केबल होल्डर पे जो बैठता है गियर बॉक्स के उसको निकाल के लेंगे जो कि वो लॉक रहेगा। शिफ्टर केबल लॉक हटाकर केबल अलग कर लेंगे गियर बॉक्स से। उसके बाद में दूसरा वाला शिफ्टर केबल है उसको निकाल के लेंगे। सो गाइस एक केबल निकालते समय ये ज़रूर ध्यान रखिए उसके अंदर का जो बुश होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको संभालना है हम लोगों को कहीं से भी वो टूटे ना। उसके बाद में जो रिवर्स स्विच का केबल जो है उसको हटा के लेंगे। सो उसको हटाने के लिए इस तरीके से लॉक होगा उसको पीछे की तरफ से पुश करके केबल को बाहर निकालना है। सो मैं इस दिखा दूंगा आपको अभी। सो गाइस ये देखिए इस तरीके से केबल निकल जाएगा, उसको निकालने का लॉक निकालने का ये देखिए गाइस जो कि मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। सो देखिए लॉक कैसे मोमेंटम है जो कि लॉक आगे आने के बाद लॉक हो जाएगा। सो इस तरीके से लॉक हटाकर केबल गेयरबॉक्स से हटा के लेना है। सो उसके बाद में जो है स्पीडोमीटर स्विच रहेगा उसका कपलर निकाल के लेंगे। जो नॉर्मल गाड़ी रहेगा उसको रहेगा लेकिन ये गाड़ी जो है ABS मॉडल होने की वजह से इसका स्पीडोमीटर सेंसर जो है व्हील में दिया है। सो गाइस देखिए इसको स्पीडोमीटर स्विच नहीं है, जो स्पीडोमीटर सेंसर बोलते हैं वो भी वो नहीं है। सो जो छोटे मोटे कपलर क्लिप्स है जो कि वायरिंग हार्नेस जो गेयरबॉक्स को लगाया हुआ रहता है वो हटा के ले रहा हूँ मैं अभी। सो
सो उसके बाद में ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखा दूंगा रिवर्स सेंसर जो, सॉरी स्पीडोमीटर सेंसर जो होता है वो इधर होता है। सो गाइस नहीं, अभी अभी इसको व्हील में ही दिया है, मैंने आपको बताया अभी पिछली। ये देखिए गाइस, यहाँ पर इस लोकेशन पे जो है स्पीडोमीटर सेंसर बिठाया हुआ रहता है। सो इसको तो नहीं है अभी। जो हम लोगों को अभी गेयरबॉक्स खोलने के लिए जो राउंडिंग के बोल्ट्स खोलने हैं वो उसका लोकेशन आपको दिखा दूंगा। एक तो स्टार्टर के होंगे राउंडिंग के, दो गेयरबॉक्स राउंडिंग के होंगे। सो ये बोल्ट जो है हम लोग निकाल के लेंगे। और गाइस ये ज़रूर ध्यान रखिए कि बोल्ट का लोकेशन, सो ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि बोल्ट निकलने के बाद बोल्ट को संभाल के एक जगह पर रख देना है, ताकि हम लोगों को बिठाते समय कोई भी बोल्ट मिसमैच ना हो। सो गाइस मैं अभी ये जो बोल्ट्स है वो निकाल के लूँगा अभी, जो कि 40 नंबर के बोल्ट होंगे। 40 नंबर का बॉक्स यूज करके मैं वो बोल्ट्स निकाल के लूँगा। तीनों राउंडिंग के बोल्ट जो है वो निकाल के लूँगा। एक पूरी तरीके से बोल्ट निकाल के लेना है राउंडिंग के, और वो जो भी बोल्ट हम लोग जो भी बोल्ट निकालेंगे उनको संभाल के रखना है, और बोल्ट को ध्यान में रखना है कि कौन सी जगह पर कौन सा बोल्ट था। सो गाइस इस तरीके से तीन बोल्ट होंगे, उसमें से एक स्टार्टर का जो लंबा वाला रहेगा वो स्टार्टर का होगा, और दो राउंडिंग के बोल्ट होंगे। सो गाइस ये बोल्ट जो है हम लोग साइड में निकाल के लेंगे, ताकि हम लोग को बोल्ट जो है नीचे से ही मैच कर सके, जो कि राउंडिंग के पूरे राउंडिंग के जो बोल्ट है वो नीचे से ही मैच हो। सो गाइस अभी गाड़ी हम लोग जो है ऊपर लेंगे, रैम के जो रैम जो है उसके ऊपर लेंगे, और नीचे से पूरा डिस्कनेक्ट करके बाद में गेयरबॉक्स जो है निकाल के लेंगे। सो गाइस फाइनली ये नीचे हमने गाड़ी ऊपर ले लिया है, तो फाइनली इस तरीके से गाड़ी नीचे से होगा। तो उसको हम लोगों को सबसे पहले निकालने के लिए जो है गियर ऑयल छोड़ना होगा, ताकि ड्राइव शाफ्ट निकलने के बाद में गियर ऑयल बाहर ना गिरे। उसके बाद में जो ड्राइव शाफ्ट निकालने के लिए हम लोगों को लोराम निकालना होगा। सो गाइस मैंने लोराम निकाल के लेता हूँ अभी। पहले ऑलरेडी मैंने गियर ऑयल निकाल के लिया है। और जो है ड्राइव शाफ्ट मैं बाहर निकाल के लूँगा गियर बॉक्स से, ताकि हम लोगों को गियर बॉक्स निकालते समय ड्राइव शाफ्ट बीच में अटके ना। तो दोनों तरफ से जो लोराम जो है निकाल के लेंगे, और उसके बाद में जो ड्राइव शाफ्ट है दोनों निकाल के लेंगे। सो इस तरीके से लोराम को खींच के निकालना है। सो ये जो राइट साइड वाला ड्राइव शाफ्ट है उसको हम लोग एक्सेल में बोल सकते हैं। एक्सेल जो है वो पूरी तरीके से बाहर निकालना होगा, इसलिए हम लोगों को ये 30 नंबर का बोल्ट जो है निकाल के एक्सेल जो है बाहर पूरी तरीके से निकाल के लेंगे। सो इस तरीके से ड्राइव शाफ्ट निकालेंगे बाहर, राइट लेफ्ट दोनों ड्राइव शाफ्ट निकालेंगे, और जो राउंडिंग के बोल्ट्स है उनको भी निकाल के लेंगे। उसके बाद में सुगाई जो है जो स्टार्टर वाला जो बोल्ट है उसको भी निकालने के लिए हम लोगों को पीछे से एक 10 नंबर का बोल्ट निकाल के क्लैंप को हटाना चाहिए। उसके बाद में जो 40 नंबर का बोल्ट है उसको 40 नंबर का बॉक्स लगा के स्टार्टर का बोल्ट निकाल के लेना है।
फाइनली ये बोल्ट जो है हम लोग निकालेंगे, जिससे कि स्टार्टर गेयरबॉक्स से अलग हो जाए। और उसके बाद में ये जो है राउंडिंग के बोल्ट्स निकाल के लेंगे सारे। तो गाइस ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी बोल्ट निकालेंगे वो ठीक से और ध्यान से रखें, क्योंकि गेयरबॉक्स जब भी मैच कर रहे हो तो बोल्ट्स मिसमैच ना हो। ये जो है हम लोग राउंडिंग के बोल्ट निकाल रहे हैं अभी। तो सारे राउंडिंग के बोल्ट निकाल के लेंगे नीचे से की तरफ से। नीचे की तरफ से चार पांच ही बोल्ट रहेंगे, वो पूरी तरीके से निकाल के लेंगे। ये जो बोल्ट निकाल रहे हैं हम लोग, जो कि फाउंडेशन का है, इंजन माउंटिंग का जो रियर साइड में रहेगा उस माउंटिंग का है, उसको निकाल के लेंगे। उसके बाद में राउंडिंग के बोल्ट निकाल के लेंगे। जब भी हम लोग गेयरबॉक्स नीचे लेंगे तब ये जो फाउंडेशन का बोल्ट जो है 40 नंबर का, उसको निकाल के लेना है। सो गाइस इस तरीके से गेयरबॉक्स थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। उसके बाद में ये जो राउंडिंग का एक बोल्ट है वो भी निकाल के लेंगे और गेयरबॉक्स थोड़ा सा हिला के जो कि गेयरबॉक्स को बाहर निकाल के लेंगे हम लोग। इस तरीके से गेयरबॉक्स को निकालना है। सो गाइस इस तरीके से गेयरबॉक्स को हम लोगों को निकाल के लेना है। उसके बाद में ये जो है क्लच प्लेट जो है उसको निकालना है, और उससे पहले हम लोगों को ये जो रिलीज बेरिंग है और ये जो फोर्क है क्लच केबल, क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करने का ये जो फोर्क है उसको पहले क्लीन करके लेंगे। अंदर का पूरा केसिंग क्लीन करके लेंगे और ये जो फोर्क जो है उसको फ्री करके लेंगे। सो गाइस ये जो है अभी मैं गेयरबॉक्स को पूरी तरीके से क्लीन कर चुका हूँ। उसके बाद में उसको ऑयलिंग करेंगे फोर्क को, ऑयलिंग और वो जो रिलीज बेरिंग है उसको थोड़ा सा ग्रीस अप्लाई करेंगे। गाइस जो कि ऑयल थोड़ा सा हम लोगों को यूज़ ही करना है, क्योंकि जो फोर्क है वो पूरी तरीके से फ्री हो जाए। उससे पहले हम लोगों को पूरी तरीके से फोर्क जो है पूरी तरीके से क्लीन करके लेना है। सो ये जो हब है उसको देखना है कि कहीं से क्रैच या डैमेज वगैरह नहीं। सो गाइस ये जो रिलीज बेरिंग है मारुति जूनियर पार्ट है, सो मैं वो यूज़ करूँगा। सो इस तरीके से पूरी तरीके से देखना है और उसके बाद में इसको थोड़ा सा ग्रीस अप्लाई करना है, ताकि स्मूथ से जो फोर्क है वो अप्लाई हो जाए। सो इस तरीके से लॉक में अटका के लेना है। उसके बाद में ये जो है उसको चेक करना है। सो गाइस इस तरीके से देखिए, इसका मोमेंटम देखिए, इस तरीके से फ्री होना मांगता है। उसके बाद में ये जो है क्लच प्लेट हम लोग निकाल के लेंगे। क्लच प्लेट निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले 12 नंबर का बॉक्स यूज़ करके पूरी तरीके से क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट निकाल के लेंगे। सो क्लच प्लेट तो चेंज करेंगे हम, उससे पहले जो है फ्लाईव्हील का बेरिंग भी चेंज करेंगे। सो मैं फ्लाईव्हील को निकाल के लूँगा। ये भी 14 नंबर का बोल्ट रहेगा,
छोटा बॉक्स लावा है ये जो छोटे नंबर का बोल्ट यूज करके निकाल लेंगे बॉक्स यूज करके। तो भाई इस तरीके से निकाल के लेंगे, उसके बाद में जो वायर का बेरिंग है उसको निकाल के लेंगे और चेंज कर देंगे। तो भाई ये देखिए सबसे पहले ये जो प्लस प्लेट है, ये जो मारुति यूनियन पार्ट है, तो मैं वो यूज करूँगा। अभी फ्लाईव्हील बेरिंग जो है मैंने भी वो मारुति यूनियन पार्ट ही यूज़ किया है। उसके बाद में फ्लाईव्हील जो है इंस्टॉलेशन करेंगे। अभी इंजन को लगा के लेंगे फ्लाईव्हील। सो उसके बाद में जो है क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट वो दोनों यूज़ करेंगे। सो गाइस हम लोगों को क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगाते समय ये ज़रूर ध्यान रखिए उसके ऊपर लिखा होगा गेयरबॉक्स साइड, मतलब GB इस शॉर्ट पंप पे लिखा होगा, उस साइड से मुंह करके वो लगा देना है। और जब भी हम लोग क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगाएंगे जो फ्लाईव्हील का जो सेंट्रलाइज़र है वो यूज़ करना है ताकि गेयरबॉक्स मैच होते समय हम लोगों को मुश्किल ना हो। सो गाइज मैं सेंट्रलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद में ये जो है क्लच प्लेट को टॉर्क मार के ले रहा हूँ जो कि बोल्ट जो है स्टार इसमें टाइट करना है ताकि प्रेशर प्लेट को टेंशन ना हो एक साइड से। सो गाइस फाइनली मैं टॉर्क मार रहा हूँ, इसका टॉर्क जो रहेगा 12 न्यूटन मीटर इतना ही रहेगा। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने गेयरबॉक्स लगा लिया है और उसके बाद में उससे पहले हम लोग को गेयरबॉक्स पूरी तरीके से मैच करने से पहले ऊपर के जो राउंडिंग के 3 बोल्ट हम लोगों ने निकाले थे वो नीचे से ही मैच करके लेंगे ताकि हम लोगों को टाइट करते समय उसको मुश्किल ना हो। सो हम लोग नीचे से मैच करके लेंगे राउंडिंग के बोल्ट। जो गाइज जो स्टार्टर वाला बोल्ट है वो नीचे से इसी तरीके से मैच करके लेना है ताकि हम लोगों को मुश्किल ना हो कि स्टार्टर मैच करते समय कोई भी मुश्किल ना हो, क्योंकि जो भी नीचे से हम लोग स्टार्टर लगाएंगे वो नीचे का भी बोल्ट और ऊपर का भी बोल्ट दोनों मैच करके एक मैच करके लेना ताकि टाइट करते समय हम लोगों को मुश्किल ना हो कि नीचे का मैच ना हो रहा है और ऊपर का मैच हो चुका है, इस तरीके से प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले ऐसे ही मैच करके लेना है, बोल्ट सारे मैच करने के बाद ही फाइनल टाइट करना है, नहीं तो एक बोल्ट मैच होगा और एक बोल्ट नहीं मैच होगा, इससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है बोल्ट टाइट करने में। फाइनली हम लोगों ने सारे बोल्ट मैच कर चुके हैं। देखिए एक नंबर का 1, 2, 3 बोल्ट इस तरीके से हम लोगों ने मैच कर किया हुआ है। उसको बाद में हम लोग नीचे लेने के बाद जो लिफ्ट है उससे नीचे लेने के बाद जो है कि टाइट कर देंगे उसको, तो फाइनल ये अभी मैच करके लेंगे। उसके बाद में ये जो लेफ्ट साइड का इंजन माउंटिंग है उसके ऊपर गेयरबॉक्स लगा के लेंगे। और उससे पहले जो है ये जो नीचे वाला स्टार्टर का बोल्ट है ये भी मैच करके लेंगे, फाइनली टाइट करके लेंगे उसके बाद में। सो गाइस इस तरीके से हम नीचे का दोनों बोल्ट मैच करके लिए, पूरे राउंडिंग के बोल्ट भी मैच करके लिए, अब ये जो है फाइनल टाइट कर लेंगे हम लोग। सो गाइस अभी ये जो है इंजन गेयरबॉक्स माउंटिंग को लगा लेंगे, देखिए राइट साइड पे हुआ। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने पूरी तरीके से लगा लिया है, ड्राई शाफ्ट भी लगा लिया है, अभी ड्राई शाफ्ट लोअर आर्म्स और जो जो पार्ट्स हम लोगों ने खोला था वो पूरी तरीके से लगा लिया है।
और उसके बाद में सारे जो राउंडिंग के बोल्ट्स है वो भी टाइट कर चुके हैं, और जो है गियर ऑयल भी हम लोगों ने छोड़ा हुआ था तो उसका ड्रेन बोल्ट भी पूरी तरीके से टाइट गया है। तो गाइस अभी फाइनली जो है गाड़ी नीचे लेने के बाद पूरे ऊपर के भी जो राउंडिंग के बोल्ट हम लोगों ने निकाले थे उनको भी फाइनली लगा लिया है, जो गियर वो पूरी तरीके से टाइट करके लिया है। उसके बाद में ये जो रिवर्स स्विच के कपलर्स निकाले थे हम लोग वो भी लगा के लेंगे, और उसके बाद में जो गियर शिफ्टिंग की केबल है वो भी लगा के लेंगे। तो वैसे अभी हम लोग पूरी तरीके से लगा के लेंगे, तो इस तरीके से गियर बॉक्स हम लोगों को निकालना है और क्लच प्लेट चेंज करना है। सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।